हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो से स्टार्टिंग होने वाली है गिटार बेसिक कोर्स की। ठीक है, ये एक बेसिक कोर्स होगा गिटार का, सीरीज चलेगी ये पूरी हमारी, लेसन बाय लेसन, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो बहुत से लोगों की डिमांड थी कि भाई स्टार्टिंग से सिखाओ हमें, तो आज से हम स्टार्टिंग करने वाले हैं। और ये नहीं है कि और वीडियोज़ नहीं आएंगे, जैसे कि कवर्स और भी गिटार से रिलेटेड प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस, वो भी वीडियोज़ आएंगे, बट ये भी स्टेप बाय स्टेप चलेगा हमारा काम। ठीक है, मतलब ये भी वीडियोस आएंगे, पर मेरी एक शर्त है कि जितने भी लोग इसको लेके सीरियस है, मतलब बेसिक गिटार कोर्स को लेके सीखना चाहते हैं प्रॉपर वे से, उन सब का मुझे एक एक कमेंट चाहिए नीचे, ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं। अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं डेफिनेटली कंटिन्यू रखूंगा गिटार बेसिक सीरीज। बट याद रहे, आपके एक एक कमेंट का वेट रहेगा मुझे, और वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है डेफिनेटली। ठीक है ना, क्योंकि ये आपकी डिमांड पे ही है, मैं कोई अपनी मर्जी से नहीं बना रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने डिमांड किया था, इंस्टाग्राम पर मैसेज भी किए थे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा पहला लेसन, इंट्रोडक्शन ऑफ गिटार। हम गिटार के सभी पार्ट्स के बारे में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो अगर आप अभी एक बिल्कुल फ्रेशर हो, आपने नया नया गिटार खरीदा है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा अकोस्टिक गिटार है। ठीक है, गिटार इलेक्ट्रिक गिटार भी होता है, क्लासिकल गिटार भी होता है, ये है हमारा अकोस्टिक गिटार। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, जैसा मुझे सिखाया मेरे टीचर ने, जैसा मुझे सिखाया सेम वैसा ही आपको सिखाऊंगा। कुछ हम मास्टर नहीं है, कुछ जैसा सीखा है वैसा सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो देखिए, हम क्या देखेंगे, फर्स्ट पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे हम बोलते हैं गिटार का हेड, यानी गिटार का सिर। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतना पार्ट, इसे बोलते हैं हम गिटार का हेड। जी बिल्कुल। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह है गिटार की गर्दन, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसे हम बोलते हैं नेक, गिटार की नेक। ठीक है, इतना क्लियर है, ये हेड हुआ, ये नेक हुआ, और उसके बाद बारी आती है इस सारी बॉडी की, तो इसे हम बोलते हैं डेफिनेटली बॉडी। ठीक है, गिटार की बॉडी, ये हुआ हेड, ये हुआ नेक, ये हुआ गिटार की बॉडी। आई थिंक इतना क्लियर है, बिल्कुल बेसिक और आसान वे से बताऊंगा बिल्कुल। ठीक है, अब हेड के ऊपर आ जाते हैं हम। हेड के ऊपर यहाँ पर ब्रांडिंग दी होती है गिटार की, देखिए आप यहाँ लिखा है वॉल्ट, ये गिटार है वॉल्ट का ED10 मॉडल। ठीक है, ये वॉल्ट का गिटार है, तो जितने भी ब्रांडेड गिटार्स होते हैं मोस्टली सबकी ब्रांडिंग यहाँ पर दी होती है। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर है। उसके बाद जो ये पिन्स हैं, इसे हम बोलते हैं ट्यूनिंग कीज। ठीक है, इससे हम अपना गिटार ट्यून करते हैं, राइट, इतना क्लियर है। उसके बाद बारी आती है यहाँ, ठीक है, ये हेड हुआ हमारा, ये ट्यूनिंग कीज हुई, उसके बाद यहाँ आ जाते हैं हम, जहाँ से नेक शुरू होता है, तो इसे हम बोलते हैं नट, NUT, नट। ठीक है, इसका भी एक स्टैंडर्ड साइज आता है, अगर हमारा नट टूट जाता है तो बाजार से आप मार्केट से कोई भी ले सकते हो नट, म्यूजिकली दुकान से, तो वहाँ से एक स्टैंडर्ड साइज आता है, ये कोई बड़े छोटे नट नहीं होते, एक स्टैंडर्ड साइज आता है, वो कोई भी गिटार पे लग जाता है, अकॉस्टिक गिटार पे। ठीक है, उसके बाद बारी आती है इस पार्ट की, ध्यान से समझिएगा, ये पूरा पार्ट जिसमें ये बॉक्सेस बने हुए हैं, इसे हम बोलते हैं फ्रेट बोर्ड या फिर फिंगर बोर्ड। ठीक है, फ्रेट बोर्ड या फिर फिंगर बोर्ड, जी बिल्कुल। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या देखा, हेड, नेक, बॉडी, ट्यूनिंग कीज, गिटार की ब्रांडिंग, फिंगर बोर्ड, ठीक है, और नट, राइट। उसके बाद बारी आती है इन बॉक्सेस की, जो ये बॉक्सेस बने हैं, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेट, FRET, फ्रेट, राइट। जैसे अब ये पहला बॉक्स है तो इसे हम बोलेंगे पहला फ्रेट, ये सेकंड बॉक्स है तो इसे हम बोलेंगे सेकंड फ्रेट, ऑब्वियसली, ये ऐसे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, ठीक है, ये ऐसे चलता रहेगा, इतना क्लियर है बिल्कुल। जिन लोगों को नहीं समझ लग रहा, वो पीछे रिमाइंड करके देखिए वीडियो, और हो सके तो आप कॉपी पे लिख भी सकते हैं, ठीक है, पार्ट्स गिटार के, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा बेसिक अच्छा होगा तो डेफिनेटली हम ग्रो करेंगे, अगर बेसिक ही हमारा अच्छा नहीं होगा तो राम भरोसे। अब बारी आती है इन डॉट्स की, ये जो डॉट्स दिख रही हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रेट मार्क्स, ठीक है, फ्रेट मार्क्स। अब ये किस लिए होती है,
इससे हम इनका जो स्टैंडर्ड प्लेस आती है इनकी 3, 5, 7, 9, 12, ठीक है, आप देख रहे हैं 12 पे दो डॉट दी हुई हैं, यानी किसी भी अकोस्टिक गिटार में जहाँ दो डॉट्स दी गई हैं तो समझ लीजिएगा वो 12 फ्रेट है, ठीक है। तो बहुत से फ्रेट्स में फिफ्थ फ्रेट से स्टार्ट होती हैं डॉट्स, मेरे में थर्ड से स्टार्ट है, ठीक है, मोस्टली गिटारों में थर्ड से भी स्टार्ट होती है, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ, नाइन्थ, ट्वेल्थ, ठीक है, वो आगे चलता रहेगा प्रोसीजर जहाँ तक हमारे फ्रेट्स हैं, ठीक है, राइट, इतना क्लियर है। अब ये फ्रेट मार्क्स का काम क्या है, ये हम दी होती हैं हमें फ्रेट्स की पहचान करने के लिए, ठीक है, जैसे एक स्टैंडर्ड साइज लोकेशन आती है कि थर्ड पे हमें ये डॉट मिलेगी, तो हम थर्ड पे मिंट में हमारा हाथ चला जाता है कि थर्ड पर यहाँ डॉट मिलेगी तो ये थर्ड फ्रेट है, ठीक है। बाकी हम डीप में बात करेंगे आगे वाले लेसनों में, फिलहाल आप जान लीजिए इन्हें फ्रेट मार्क्स कहते हैं। और उसके बाद बारी आती है नीचे के पार्ट की, ये जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं साउंड होल, जहाँ से हमारा मेन साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं साउंड होल, राइट, आपने सही सुना। और उसके बाद बारी आती है इस पार्ट की, इसे हम बोलते हैं ब्रिज। ब्रिज का मतलब क्या होता है, पुल, यानी कि ये हमारी स्ट्रिंग्स को एक ब्रिज प्रोवाइड कराता है यहाँ तक, ट्यूनिंग की इससे यहाँ तक, ठीक है, इसे हम बोलते हैं ब्रिज। और इसके ऊपर जो ये पिंस लगी हुई हैं, ये वाली, इसे हम बोलते हैं ब्रिज पिंस, ठीक है। और ये ब्रिज के ऊपर जो ये पार्ट लगा हुआ है जिसके ऊपर से हमारी जो स्ट्रिंग्स है वो निकल के जा रही हैं, इसे हम बोलते हैं सैडल, राइट। ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ मैं, इसलिए एक एक पार्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखा जाए तो हमारे नट का, जो ये हमारा नट है, इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है हमारी गिटार की बॉडी में, ठीक है। आप पिक में देख सकते हैं, ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये हमारे नट के ऊपर से होती हुई फ्रेट बोर्ड की तरफ जा रही है, ठीक। देखोगे ये जो नट का साइज है वो हमारे फ्रेट बोर्ड से थोड़ा सा उठा हुआ है, जिससे हमारी स्ट्रिंग्स थोड़ी सी उठ जाती हैं और वो साथ में फ्रेट के चिपकती नहीं है, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे गिटार का। और एक चीज बतानी रह गई कि जो ये ट्यूनिंग कीज होती है हमारी, ये कौन कौन सी स्ट्रिंग से कनेक्टेड होती है। सबसे नीचे स्टार्ट करेंगे, जो ये फर्स्ट स्ट्रिंग है वो होती है हमारी ये वाली ट्यूनिंग की से कनेक्ट, ठीक है, मतलब यहाँ से लगी होती है ये, इसके साथ कनेक्ट होती है जो फर्स्ट स्ट्रिंग है। ऐसे ही सेकेंड जो हमारी स्ट्रिंग है वो सेकेंड वाली से, इस वाली से कनेक्ट है, हम इसे लूज करेंगे टाइट करेंगे तो इसमें मूवमेंट होगा, ठीक है। जो थर्ड वाली है वो ऑब्वियसली ये थर्ड वाली से है, ठीक है, ये वाली से, राइट। और जो ये वाली है फोर्थ वाली, ऊपर से जो हमारे लेफ्ट साइड में ऊपर से थर्ड वाली है, ये वाली, ये हमारी फोर्थ स्ट्रिंग से कनेक्ट, ये वाली से, ठीक है। स्ट्रिंग्स के नाम हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम गिटार ट्यून करना सीखेंगे। और उसके बाद इसकी बारी आती है, ये हमारी फिफ्थ स्ट्रिंग से कनेक्ट है, ये हमारी सिक्स्थ स्ट्रिंग से कनेक्ट है, ठीक है। और याद रहिए बहुत से लोग कि स्ट्रिंग्स को वायर बोलते हैं, ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है तो इसे आपने स्ट्रिंग्स बोलना है, ठीक है। म्यूजिक की लैंग्वेज बस यही है, एक खासियत म्यूजिक की कि इसमें लैंग्वेज बहुत मिठास भरी हो जाती है हमारी, तो हमने इसे स्ट्रिंग्स बोलेंगे। सो आई होप गाइज ये सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो लेसन आएगा जल्दी आएगा, उसमें हम भी काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं, गिटार ट्यून करना सीखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए नमस्कार आप सभी को, बस प्रैक्टिस कीजिए, मतलब आज जितने भी आपको पार्ट्स बताए हैं मैंने, इसे बस आपको लर्न करना है, एक एक पार्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड।